हिंदू धर्म का विनाश करने के लिए हिंदू ही काफी है, ना तो किसी सिख की जरूरत है, ना किसी मुस्लिम की जरूरत है, ना किसी ईसाई की जरूरत है। हिंदू धर्म का विनाश करने के लिए हिंदू काफी है। जिस प्रकार की शिक्षा हमारे बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, हमारे बच्चों को ना तो गीता ना रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है, संस्कृत से दूर रखा जाता है। संस्कृत की रिसर्च आज अमेरिका में, लंदन में कई यूनिवर्सिटी कर रही हैं, परंतु हिंदी में बात करना हम भारतीयों को गर्व नहीं महसूस होता। जहां पर इंग्लिश में बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से गर्व महसूस होता है, जो हिंदी और संस्कृत में बात करता है उन्हें लगता है कि यह गवार है। भाइयों, यही संस्कृत, यही गीता, यही कुरान आपको आगे ले जाएगी। गुरु ग्रंथ साहब का पाठ सिख भाई करते हैं, पाठ चल रहा होता है, शब्द वाणी में पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार से आप संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। उसी प्रकार से गीता में संपूर्ण जीवन का रहस्य है, जीवन में चरित्रवान रहेंगे रामायण हमें सिखाती है, जीवन किस प्रकार से जिया जाए ये महाभारत सिखाती है। हमारे ग्रंथों में इतना कुछ है कि आज लंदन की यूनिवर्सिटी स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, परंतु हम हिंदू उसको पढ़ाना तो छोड़िए, उसकी बात करना भी पसंद नहीं करते। आज वह समय आ चुका है कि सभी हिंदू भाइयों को कम से कम अपने घर में रामायण का पाठ, गीता का पाठ, शिव पुराण का पाठ करना चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और मैं भारत के शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि पाठ्यक्रम में, चाहे वह प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट के स्कूल हो, सभी के पाठ्यक्रम में गीता अनिवार्य होनी चाहिए। जब तक गीता, रामायण, महाभारत हमारे पाठ्यक्रम में नहीं आएगी, तब तक हिंदू धर्म का विनाश होता रहेगा। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए स्वयं हिंदू को ही जागना होगा। जब हिंदू जागेगा तभी सवेरा होगा।